स्टूडेंट्स टू आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल हमको दे रखा है क्या, एबीसी, और ये एडी क्या है। एडी जो है हमको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि ये एडी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है और ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। ये चीज हमको यहाँ पर प्रूव करनी। तो देखिए, प्रूव हम कैसे करेंगे, यहां क्वेश्चन में हमको ए बी और ए सी ये हमको इक्वल दे रखा है और हमें क्या करना है, हमें ये दोनों ट्राइंगल्स जो आपका ए बी डी है और आपका ट्राइंगल ए सी डी है, ये दोनों ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करने हैं। तो ये प्रूफ करेंगे और उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है कि जो AD है वो एंगल A का बाइसेक्टर है और ये जो AD है ये BC पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ये भी हमको प्रूफ करना है। चलिए हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, ठीक है, तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। तो इन दोनों ही ट्राइंगल्स में बात करेंगे तो क्या है, आपको ए बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए सी, ठीक है। ये क्या है, गिवन है हमको, ठीक, ये बात हमको क्वेश्चन में पता है। और ए डी इज इक्वल टू ए डी क्या है, कॉमन, ठीक है, कॉमन है। अच्छा, क्वेश्चन में ये बाय एसएसएस रूल यानी कि साइड रूल से प्रूफ करने को बोल रहा है, तो हम उसी से कर पाएंगे क्योंकि हमें जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम जब इसको प्रोसीड करेंगे तो साइड रूल ही लग पाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, बीडी इज इक्वल टू डीसी भी हो जाएगा, बीडी इज इक्वल टू डीसी सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ठीक, जो आपका डी है वो क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब क्या हो लिखेंगे, फ्रॉम एस 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 रूल ट्राइंगल ए बी डी is congruent to the triangle ACD, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट आपका ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम इसके आगे चलेंगे, तो अब देखिए अगर ये दोनों अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मींस ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपके आपस में इक्वल हो जाएंगे। दैट मींस ये क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई सीपीसीटी, ठीक है। तो अब आप क्या लिख सकते हो, ये आपका सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया है, यहां पर प्रूव हो गया। हेंस एडी इज, देखिए अब क्या है कि ये जो एडी है ये क्या कर रहा है, इसको इक्वल एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर अपने आप हो जाएगा, ठीक है। हेंस एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक, ये बात यहां पर प्रूव हो जाती है, ओके, ठीक। ये इतना क्वेश्चन हमने यहां पर सॉल्व कर लिया, हमने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, अब थर्ड पार्ट हमें सॉल्व करना है, ओके। अब देखिए, ये तो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये जो आपका है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ठीक है, ये हमारा इक्वल
इक्वल प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और इसको बना देते हैं क्या, इक्वेशन वन। ये देखिए ये क्या हो गया, ये दोनों एंगल क्या हो गए, एक्स हो गए। अब ये तो हो ही गया है, बट क्या ये हमारे ये एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे, जो ये एंगल और ये एंगल है, ठीक है, ये भी तो इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे क्या, अब हम लिखेंगे क्या, ये आपका एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है, यहां पर लिख दीजिए बाई सी पी सी टी। भाई कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है, तो ये जो एंगल हैं ये भी तो इक्वल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जब हम कंपेयर करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट कंपेयर करने से ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे क्या, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इज इक्वल टू वाई, ये आप क्या करिए इक्वेशन टू ले लीजिए, ठीक है। तो ये एंगल वाई हो गया और ये एंगल वाई हो गया। अब क्या करिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल एंगल ए बी सी प्लस एंगल एंगल बी सी ए प्लस एंगल एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, होगा कि नहीं। देखिए एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी और एंगल बी ए सी, सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ओके तो अब क्या हो जाएगा, अब ए बी सी की जगह पर हम क्या रखेंगे, वाई प्लस और बी सी ए, ठीक है, बी सी ए इसकी जगह पर भी हम क्या रखेंगे, वाई, और ये जो एंगल बी ए सी है ये एक्स और एक्स, देखिए ये जो एंगल बी ए सी है वो क्या है, बी ए डी प्लस सी ए डी है, तो ये पूरा एंगल कितना है, 2x है, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल इक्वल है और दोनों को ही हमने x मान रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री, ओके, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2y plus 2x is equal to 180 डिग्री। यहां से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे, x plus y हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से ये कितना आ जाएगा, यहां से ये आपका x plus y is equal to 90 डिग्री आ जाएगा, बस समझ गए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो जब ये हमारा 90 डिग्री आया है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मिनट में थोड़ा सा स्पेस को देख लेता हूं कि अवेलेबल है कि नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये जब आया है तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी जब हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी प्लस एंगल, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, ये 180 डिग्री है, ठीक है। यहां थोड़ा सा आप देख लीजिए, तो ये इक्वल टू 180 डिग्री है। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसमें ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी कितना है, ये वाई है, और एंगल, एंगल क्या हो जाएगा, बी ए डी, बी ए डी आपका कितना है, एक्स है, प्लस और बी डी ए, बी डी ए हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है, 180 डिग्री। अच्छा ये एक्सप्रेशन हम अभी जस्ट अभी हमने निकाला है, तो x y प्लस x कितना हो जाएगा, यहां से 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री प्लस एंगल बी डी ए वन एट्टी डिग्री,
तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल बी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी डी ए, ये एंगल 90 डिग्री आ रहा है, ये एंगल जब 90 डिग्री आ रहा है तो हम कह सकते हैं हेंस ये थर्ड पार्ट हो जाएगा, हेंस एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। नोट डाउन कर लीजिए इसको।